Hitachi Awards 2021 की जिस कैटेगरी की अब बारी है वो है लाइवलीहुड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग और इसमें यकीनन हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो अंडरसर्व्ड एरियाज में जाके लोगों को एक ऐसा स्किल सिखाते हैं ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि वो अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें आगे लेके चल सकें सो बिफोर वी अनाउंस द विनर्स इन दिस कैटेगरी लेट अस इनवाइट मिस्टर रिजवान डालिया द चीफ पीपल्स ऑफिसर एट के इलेक्ट्रिक पहले जो प्राइज के विनर हैं इन द कैटेगरी ऑफ लाइवलीहुड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग और हुनर फाउंडेशन की तरफ से मिस्टर अब्बास अकबर अली हमारे साथ मौजूद हैं हु इज द फाउंडर एंड ट्रस्टी वी आर ग्रेटफुल टू कराची इलेक्ट्रिक फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर हुनर फाउंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड एंड रिमूविंग पॉवर्टी फ्रॉम आवर सोसाइटी हुनर फाउंडेशन बिलीव्स इन टीचिंग हाउ टू फिश फॉर लाइफ rather than giving a fish every day to anybody. We are in the process of taking our youth, giving them world-class training in traditional trades and also the future technologies. Pakistan ki abadi ka around 60% jo hai wo youth pe mushtamil hai. Aur ye youth ek tarah se hamare liye ek blessing hai. Second winner is, who is Hussain Foundation? We are very glad and we really appreciate the initiative of key management that they come up with this award ceremony is fakat in terms of locations hum is 13 cities ke andar already hain all over abhi hamare bahut sari request hain I think in the 5 years we will present in 30 plus cities in Pakistan the third winner is Karachi Vocational Training Center jiske behalf pe hamare sab maujood hain senator Haseeb Khan sahab special bachchon ko is qabil kar dete rahe hain ki wo maashe ka hissa ban jaye और ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास मेरे ख्याल में मोर देन 600 बच्चे हैं वो सब काम कर रहे हैं